केंद्र सरकार ने गुजरात की हीरा नगरी सूरत के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया है, जिससे अब दुनिया भर के लोग सूरत से सीधे जुड़ पाएंगे। केंद्र सरकार ने गुजरात के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सूरत हवाई अड्डे को गैजेट जारी कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है। अब सूरत हवाई अड्डे से यात्री विदेश के लिए उड़ान भर सकेंगे। 15 दिसंबर 2023 को केंद्र की मोदी सरकार ने सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 353 करोड़ रुपए की लागत लाई है। सरकार की योजना सूरत को सीधे बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों से जोड़ने की है, ताकि यहां के कपड़ा और हीरा बाजार को बढ़ावा मिल सके। केंद्र सरकार के गैजेट में सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आधिकारिक दर्जा मिलने पर केंद्रीय रेलवे और टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोष ने खुशी व्यक्त की है। सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत की प्रजा की ओर से और हम सब की ओर से उनको बहुत धन्यवाद, क्योंकि सूरत फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। डायमंड, टेक्सटाइल और जरी उद्योग के साथ में इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के साथ साथ एक स्मार्ट सिटी भी है। इसी शहर को इसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित करने के साथ में उनको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और बहुत सालों से जो एक लोगों की अपेक्षा थी आज पूरी पूर्ण करने के लिए, 2047 में हम जब विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेंगे उसी समय भारत को एक नई ऊँचाई पर ले जाने के लिए सूरत का भी बहुत बड़ा योगदान होगा और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें बहुत मदद रूप साबित होगा। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करती हूँ।